नमस्कार नमस्कार, मैं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। यूपीपीसीएस की जो ऑफिशियल आंसर की थी वो आ चुकी है। अब सभी चीज़ों का पटा शेप करके फटाफट आंसर की आप लोग मिला लीजिए। आंसर की ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दी जा चुकी है। ये यूपीपीसीएस की वेबसाइट है, इस पर आप देखेंगे। अगर आप जाएंगे नीचे आंसर की वाला जो ऑप्शन आता है ना, इधर क्लिक आई थिंक नहीं हो रहा, एक मिनट मुझे बैक करना होगा। आंसर की का ऑप्शन आएगा आपको लेफ्ट साइड में किनारे में, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये सीधे पीसीएस 2022 के ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया है, वो बुकलेट ए की पीडीएफ है, ऐसे ही बुकलेट बी, बुकलेट सी, बुकलेट डी की पीडीएफ दी हुई है, फिर सी सेट की भी दी हुई है, सी सेट की ए बी सी डी, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने मार्क्स को फाइनली रूप से देख लीजिए, कितने क्वेश्चन पे क्या कुछ आपत्ति हो सकती है उसके बारे में अगर आपको लगता हो तो देख लीजिए। बाकी आंसर की थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि लगभग बैलेंस आई है, एक आध दो क्वेश्चन में विवाद हो सकता है, वो अपनी जगह है। उसके लिए देखिए जो प्रूफ है वो ऑथेंटिकेटेड बुक के ही लगते हैं, एनसीईआरटी के लगते हैं, या जो प्रतिष्ठित किताबें होती हैं बड़े राइटर्स की उनके द्वारा लगती हैं, गाइड वगैरह का प्रूफ तो लोग लेते हैं नहीं। जैसे मैं पिछली बार जो कटअप पे हमने जितनी बातें की हैं, मैंने जैसे बताया कि 85 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। कटअप चूँकि पिछले 2-3 सालों के मुकाबले पेपर थोड़ा सा हम कहेंगे कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, आसान से लेवल का था, तो कटअप माइट भी 2-3 क्वेश्चन शायद इन वर्स केसेज ऊपर निकल जाए। तो 85-90 के बीच में मुझे लगता है कि श्योरिटी से सिलेक्शन होना चाहिए। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, है ना। मार्क्स को आप कर लीजिए, आपने ये मान लीजिए कितने भी क्वेश्चन किए हैं, कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, उसमें से कट करके आप निकाल लीजिए, है ना। और फिर उसी के हिसाब से आपको 1/3 है, तो अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 1 सही क्वेश्चन हट गया, इस तरीके का सिस्टम है, है ना। या मार्क्स भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लो, 1.33 का एक क्वेश्चन आपका पड़ता है। तो 115 के ऊपर मुझे लगता है नंबर, अंक की अगर मैं बात करूं, 115 के ऊपर तो अंक मुझे लगता है जनरल के लिए, सामान्य के लिए, पुरुष के लिए शायद चाहिए होंगे। अब अलग अलग कैटेगरीज के आप उसी से एनालिसिस कर लो, है ना। बहुत से लोग फीमेल की, एससी की, ओबीसी की पूछते हैं, तो इसका मुझे इतना आइडिया होता नहीं है, मैंने एक जनरल प्रिस्क्राइब आइडिया आपको दे दिया है। आप अगर 115 के ऊपर जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेंस के लिए ध्यान देने की नीड बहुत ज़रूरी है। अगर आप 90 के ऊपर जा रहे हैं, 90 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, है ना, 115 मार्क्स और 90 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सर्टनली लग जाना चाहिए मेंस की प्रिपरेशन है। मेंस की प्रिपरेशन तो हर हालत में आपको करनी ही है, ठीक है ना। और अपनी चीज़ों को लेकर बैठ जाइए, आसान नहीं है, असली परीक्षा आप शुरू हुई है, ये तो सिर्फ छटनी थी, अंतर समझिए, प्रीलिम्स सिर्फ छटनी होती है, वास्तविक परीक्षा है, ठीक है। सभी लोगों को शुभकामनाएं और बताइए कमेंट में कि किसके कितने नंबर हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।